ये लगभग 800-1000 वर्ष पुरानी हमारी सनातन परंपरा थी। अय्यप्पा स्वामी जिनका मंदिर है उनके यहाँ महिलाओं को निषेध नहीं है, लेकिन 10 साल से ऊपर और 50 से नीचे की महिलाओं को निषेध है। वो केवल इसलिए निषेध है, अब पता नहीं लगता कि अशुद्धि काल कब है, अशुद्धि काल में महिलाएं न जाएं। अशुद्धि काल में महिलाएं जब मंदिर आदि में जाती हैं तो उनको नुकसान होता है, हानि होती है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। और उसके ऊपर निर्णय देने का अधिकार किसी भी कोर्ट को या किसी भी न्यायालय को नहीं है कि सनातन परंपराओं पर कुठाराघात करे। न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया बहुत गलत दिया, अशिष्ट निर्णय, ये विधर्मी लोगों जैसे मूर्खों जैसा निर्णय है। अब उसके ऊपर सनातन परंपराएं हैं, कुछ महिलाएं गई, ये राजनीति कहने वाली महिलाएं कम्युनिस्टों की महिलाएं हैं और हिंदू धर्म से पृथक महिलाएं, ये चुपके से अगर घुस गई हैं, ये बहुत गलत हुआ। ये सरकार का दायित्व है, कोर्ट का दायित्व है, भारत सरकार का दायित्व है ऐसी महिलाओं को, ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को बर्खास्त करें, उन्हें दंड दें।